हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस 555 यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू टिल्ट द प्रीकास्ट बॉक्स कल्वर्ट परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल पोजीशन। जो प्रीकास्ट हम करते हैं वो इस टाइप का जो रहता है, जैसे परपेंडिकुलर कास्टिंग ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें फिनिशिंग भी सब कुछ ईजी रहता है और एक ही बार में कास्टिंग हो जाता है। जैसे ओरिजिनल पोजीशन के साथ कास्टिंग करेंगे वो दो, मतलब एक बार राफ्ट फिर वाल फिर स्लैब करना पड़ेगा, इसमें एक ही बार में कास्टिंग हो जाएगा। और जैसे ये लिफ्टिंग जो कर रहे हैं उसके लिए जो वी पोल्स पाइप जो दिए हुए हैं हमने, एक एक वी पोल पाइप दोनों वाल में दिए हैं, उससे लिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि वर्टिकल बॉक्स को वैसे ही लिफ्टिंग करना पड़ेगा। जैसे लिफ्टिंग करके रख दिया, स्टैक कर लिया, उसके बाद उसको कैसे हम टिल्ट कर रहे हैं वो इस वीडियो में हम देख रहे हैं। अभी इस बॉक्स का जो साइज़ है वो 3x3 था और राफ्ट आर वाल 0.4 था और स्लैब 0.35 मीटर थिकनेस था। इसका जो लेंथ है वो 1.5 मीटर था। जैसे इसका जो टिल्ट कर रहे हैं, इस बॉक्स का जो वजन है वो 20 टन था, इसमें 7.943 एम क्यूब था इसमें कॉन्क्रीट, उसका ढाई टन से ढाई टन पर एम क्यूब होता है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करा तो 20 टन आ रहा है। और इसमें चार लिफ्टिंग हो के आपका, और 20 एम एम डाया स्टील का हमने दिए, चार दिए। अगर उस टाइम में पहले चार 20 एम एम अवेलेबल है तो हमने 16 का दो दो भी करके दिए 8 नंबर, अगर नहीं तो आपको एसटी स्टैंड अवेलेबल है तो आप 12.7 का, नहीं तो 15.2 का एसटी स्टैंड भी दे सकते हैं। जैसे हम शिफ्टिंग जो कर रहे हैं ना, लोडिंग और शिफ्टिंग, वो भी स्टैकिंग शिफ्टिंग सब कुछ हम परपेंडिकुलर पोजीशन पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल पोजीशन में करते तो हमें बहुत सारी जगह चाहिए होते थे इसमें, और हाइट भी बहुत बढ़ जाता था। और जो हाल है जो रोड है वो एकदम रिजिड होना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर जो मूवमेंट के लिए, क्योंकि अगर नहीं है तो जैसे कभी कभी फंसने के भी चांसेस है, जैसे हमारा भी एक बार जैसे फंस गया था उसमें। और क्रेन है, क्रेन का जो है आपका, इसमें हाइड्रोलिक क्रेन रहना आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए आप मूव हो सकता है, क्योंकि साइड में एक चेनेज से दूसरा चेनेज का आपको जाना ही पड़ेगा। और मेरा जो बॉक्स का वेट है वो 20 टन है, तो हम यार्ड में जो है कास्टिंग यार्ड में, यानी लोडिंग और लिफ्टिंग लोकेशन है वहाँ पे हम 75 टन का हम यूज़ कर रहे हैं, और साइड में 150 मेट्रिक टन का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि साइड में क्या कंडीशन क्या होता है कि कभी कभी जो जहाँ से इरेक्शन करना है उस पीस को, वो थोड़ा सा हाइट में नीचे भी रहता है, यानी जो ग्राउंड लेवल है ग्राउंड लेवल से नीचे भी रहता है, उसकी वजह से हमने 159 का क्रेन लिया, ताकि उसका रेडियस बहुत ज़्यादा रहेगा तो ईजिली उसका इरेक्शन कर पाएगा, थोड़ा दूर से भी कर सकता है। एक बार उन्होंने क्रेन को फिट करा तो उसी पोजीशन में 4-5 बॉक्स वो कर सके, इसलिए हमने 159 क्रेन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं फिर से कैसे उसको लिफ्ट करेंगे, वीडियो देखिएगा। जैसे इसमें एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, जैसे टिल्ट करते हैं ना, जो टिल्ट करेंगे नीचे में जो राफ्ट पोजीशन है, नीचे में आपको इस जगह पे थोड़ा सैंड फिल करना पड़ेगा रैम टाइप में, ताकि जो राफ्ट के नीचे, ताकि वो स्लोप में करेंगे तो थोड़ा से मतलब एक छोटा सा स्लोप है, अभी ये जेर का क्रैक होने में बच सकता है, नहीं तो जैसे ऐसे करते एकदम जेर हो गए। अब देखिएगा ये जो जेर कोड है ना, हाँ ये नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा सा सैंड का ये सैंड फिल कर लेंगे रैम टाइप में। और उसमें जो साइड में एरेक्शन करते हो, जो लेवलिंग कोर्स है वो एकदम लेवल में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अंडुलेशन होगा तो आपको जो फिट होगा ना उस टाइम फिट होने में दिक्कत होगा, आपका गैप दिखेगा ज़्यादा। अगर एकदम पीसी से अगर एकदम लेवल पे है और आपका बॉक्स भी एक ही लेवल पे है, तो उसमें आपका आराम से एकदम जॉइंट फिनिशिंग बढ़िया दिखेगा। इस सेम टिल्टिंग को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे वी पोल पाइप से जो उठा रहे हैं उसी टाइप में एक सैंड का जो रैम टाइप बनाकर उसी में अगर रखेंगे तो राफ्ट पोर्शन के नीचे रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो भी हो जाएगा। नहीं तो उस टाइम हुक में एक हाइड्रा का लिफ्टिंग हुक लगा, जो हाइड्रा से लिफ्टिंग हुक में सीलिंग लगा के भी आपको सीधा कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। अगर आपने जैसे करा, अगर आपने पहले करा होगा, आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में डालिएगा। अगर आपके कोई भी दोस्त अगर प्रीकास्ट कर रहे हैं उनको ये वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा जरूर। थैंक यू।